क्रिकेट में प्रतिभा के साथ साथ भाग्य भी अहम रोल अदा करता है। कोई अपनी मेहनत के बदौलत सही समय पर सही प्रदर्शन करके काफी आगे बढ़ जाता है, लेकिन हर किसी के साथ कुछ ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं। कई क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने घरेलू से लेकर आईपीएल तक में शानदार प्रदर्शन किए, इसी के बदौलत जल्द ही भारतीय टीम में चयन भी हो गए, लेकिन वहाँ पर अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे और जल्द ही टीम से अपनी जगह गंवा दी। आज हम दो ऐसे क्रिकेटरों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने टेस्ट करियर की शुरुआत मौजूदा भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ की थी, लेकिन उनका लग कोहली जैसा नहीं रहा और जल्द ही उनका टेस्ट करियर समाप्त हो गया। मौजूदा दौर में भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे बड़े बल्लेबाज अगर कोई है तो वो है विराट कोहली। विराट कोहली न केवल भारत के बल्कि विश्व क्रिकेट के मौजूदा दौर में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है। उन्होंने अपने करियर में अब तक जितनी जल्दी कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं उसे देख आने वाले समय में उन्हें सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहने में कोई आपत्ति नहीं होगी। सीमित ओवर की क्रिकेट हो या फिर टेस्ट क्रिकेट, कोहली का बल्ला विरोधी गेंदबाज पर हमेशा हावी रहता है। कोहली आज टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 टेस्ट खेलने के करीब खड़े हैं। वहीं उनके साथ टेस्ट करियर की शुरुआत करने वाले दो और बल्लेबाजों का लक कोहली जैसा नहीं रहा। वो दोनों खिलाड़ी महज कुछ ही टेस्ट खेलकर पूरी तरह से साइड लाइन हो चुके हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है अभिनव मुकुंद का। कोई शक नहीं कि अभिनव मुकुंद एक बेहतरीन सलामी बल्लेबाज रहे हैं। उन्हें वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर के विकल्प के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन समय के साथ मुकुंद उस तरह का प्रदर्शन करने में नाकाम रहे जिससे कि वो टीम में जगह पक्की करने में सफल हो सके। मुकुंद ने साल 2011 में ही अपने टेस्ट क्रिकेट का आगाज किया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खराब प्रदर्शन की वजह से सलामी बल्लेबाज की रेस में अभिनव मुकुंद काफी पीछे रह गए और अपनी जगह टीम से गंवा दी। हालांकि विराट कोहली की कप्तानी में साल 2017 में मुकुंद ने टेस्ट क्रिकेट में वापसी की, लेकिन अपना छाप छोड़ने में फिर से नाकाम रहे। मुकुंद 2011 से लेकर अब तक भारत के लिए केवल 7 टेस्ट ही खेल सके हैं और अब लगता नहीं है कि उन्हें फिर से कभी मौका मिल पाएगा। वहीं इस कड़ी में दूसरा नाम है प्रवीण कुमार का। अभिनव मुकुंद की तरह ही गेंदबाज प्रवीण कुमार का भी करियर रहा। प्रवीण कुमार ने भी अभिनव मुकुंद की तरह ही विराट कोहली के साथ टेस्ट करियर की शुरुआत की थी, लेकिन क्रिकेट से संन्यास ले चुके प्रवीण कुमार अपने करियर में वो मुकाम हासिल करने में असफल रहे जो मुकाम विराट कोहली ने हासिल किया। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ भारतीय टीम के तीनों प्रारूपों के कप्तान भी हैं, जबकि प्रवीण का क्रिकेट करियर समाप्त हो चुका है। वापस की राह जोते जोते उन्होंने साल 2018 में क्रिकेट को अलविदा कह दिया। अब वो बतौर कमेंटेटर नजर आते हैं। प्रवीण कुमार के करियर की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में खेला। उन्होंने 6 टेस्ट मैचों में 27 विकेट लिए, साथ ही करीब 15 की औसत से 149 रन भी अपने नाम किए। वहीं 68 वनडे में 77 विकेट अपने नाम करने में सफल रहे। इसके अलावा 10 T20 मैच में 8 विकेट अपने नाम किए। स्विंग गेंदबाज में महारत हासिल प्रवीण कुमार को साल 2007 में वनडे डेब्यू का मौका मिला। इसके अगले साल यानी कि 2008 में T20 क्रिकेट में भी चांस मिल गया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका साल 2011 में मिला। यही वो साल है जब मौजूदा कप्तान विराट कोहली ने भी अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। कोहली अपने प्रदर्शन की वजह से लगातार सफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ते रहे, जबकि प्रवीण और अभिनव मुकुंद जैसे खिलाड़ी जूझते नजर आए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल NN Sports को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।